हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट गाइस। तो गाइस, आज मैं अगेन पर्पल हॉल लेकर आई हूँ और ये जो सारे पार्सल्स हैं ना, ये मुझे आज ही रिसीव हुए हैं। और क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको मुझे आज से यूज़ करना स्टार्ट करना है, तो मैंने सोचा आज ही इसका हॉल वीडियो मैं शूट कर लेती हूँ। और मैंने अपने बालों पर शैम्पू भी नहीं किया, आप देख रहे हैं मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। सो प्लीज़ मेरे बालों को इग्नोर करिएगा इस वीडियो में। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी बड़ी बॉक्स है ये, दिस इज द बॉक्स, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैंने रीस्टॉक किया है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैंने फर्स्ट टाइम परचेज किया है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका ऑलरेडी रिव्यू मैंने अपने चैनल पर कर रखा है। तो चलिए देर ना करते हुए आपको प्रोडक्ट्स दिखाई देती हूँ। तो सबसे पहले है ये वाओ का एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, इसको मैंने रीस्टॉक किया है दोस्तों। इसको मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, और कोकोनट ऑयल मैं वाओ का ही यूज़ करती हूँ। वाओ के प्रोडक्ट 100% वेगन होते हैं, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है ये, और काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में भी मिल जाता है, और ये 100% ट्रांस फैट फ्री है। इसका रिव्यू मैंने नहीं किया है, बहुत जल्दी आपको मेरे चैनल पे इसका रिव्यू देखने को मिल जाएगा। इसका प्राइस है 500 और समथिंग, और पर्पल पे ना मैंने इलाइट मेंबरशिप ली हुई है, प्लस इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स चलते रहते हैं ना, अच्छे खासे डिस्काउंट आपको purple.com पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया है ये है हिमालया की हेना, ये है मेहंदी के पैकेट। तो पहले मैं नूपुर मेहंदी यूज़ किया करती थी, उसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। उस वीडियो पर ना 23 लाख व्यूज़ है गाइस, मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोज़ हैं सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसी वीडियोज़ पे हैं। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। अभी मैंने परचेस किया है हिमालया का नेचुरल शाइन हिना, ये दो मेहंदी के पैकेट हैं, 121 इनकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है, प्राइस 75 रुपीज़, काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं। और इस एक पैकेट में ना मेरे पूरे बालों पर मेहंदी लग जाती है, तो इसको मैंने फर्स्ट टाइम परचेस किया है, इसको मैंने यूज़ नहीं किया। इसका रिव्यू एंड डेमो आपको मैं ज़रूर शेयर करूँगी। हिमालय के प्रोडक्ट्स भी 100% वेगन होते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं दोस्तों, तो मैंने दो पैकेट्स लिए हैं। नेक्स्ट मैंने लिया है सोल फ्लावर का बाथ सॉल्ट, तो ये है सोल फ्लावर का ऑर्गेनिक बाथ सॉल्ट इन द वेरिएंट लैवेंडर। सोल फ्लावर के बाथ सॉल्ट में आपको बहुत सारे वेरियंट मिल जाते हैं, लाइक रोज, हिमालयन रॉक सॉल्ट एंड बहुत सारे ओशियन सी ब्लू सॉल्ट बहुत सारे मिल जाते हैं। तो मैंने इस बार लैवेंडर लिया है, मुझे लैवेंडर की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। 500 ग्राम इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है। चलिए देख लेते हैं कि इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है दोस्तों, लेट्स चेक आउट इट्स फ्रेग्रेंस। इसको मैं ना बहुत तरीके से यूज़ करती हूँ, आप भी इसको बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। इसका बॉडी स्क्रब बना सकते हैं, इसको आप पानी में डालकर अपनी बॉडी को सोक कर सकते हैं। इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी है, और दोस्तों इसको ना आप एज अ मसल स्ट्रेन को रिलीफ देने के लिए भी आप इसकी सेक ले सकते हैं पानी में डालकर, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। बाथ सॉल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, मैं इनको हमेशा एज अ बॉडी स्क्रब ज़्यादा यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट मैंने लिया है एल्फ्स गुडनेस का 100% प्योर रोज वाटर। पहले मैं डाबर गुलाबरी यूज़ करती थी, अभी मेरी नज़र पड़ गई इस पर तो मैंने ये वाला परचेज किया। 305 ml इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है, और इसका प्राइस है 400 रुपीज़, और ये 3 ईयर्स की शेल्फ लाइफ के साथ आता है। काफ़ी अच्छी खासी बड़ी बॉटल है दोस्तों, एंड लेट्स सी कि ये कैसा वर्क करता है। इसका रिव्यू भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा बहुत जल्दी। नेक्स्ट है लैक्मे 925 वाइटामिन सी डे क्रीम, इसको मैंने रीस्टॉक किया है, मैं इसे डे क्रीम को यूज़ करती हूँ। आई एम इन टू वाइटामिन सी स्किन केयर रिजीम सिंस 2 ईयर्स, या सिंस 2 ईयर्स। नेक्स्ट मैंने अगेन रीस्टॉक किया है वाओ के मोरक्कन अर्गन ऑयल शैम्पू एंड कंडीशनर। अभी करेंटली मैं इन्हीं दो शैम्पू और कंडीशनर को यूज़ कर रही हूँ, इससे मेरे बाल टूट भी नहीं रहे हैं और बालों की शाइन भी बहुत अच्छी। अभी मैंने शैम्पू नहीं किया, अदरवाइज आप मेरे बाल देखते हैं, इसका रिव्यू एंड डेमो जब मैं शेयर करूँगी ना तब आपको पता चलेगा ये बहुत अच्छे हैं गाइस। आपके बाल अगर बहुत ज़्यादा रफ, ड्राई, फ्रिजी हैं, या फिर अगर आपके बाल टूट भी रहे हैं, तो आप इन दो शैम्पू एंड कंडीशनर को ट्राई कर सकते हैं। इसमें ना हेयर ऑयल भी आता है, इसका हेयर ऑयल मैं इसका यूज़ नहीं करती, मैं कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल को ही मिक्स करके देसी नुस्खा मैं आजमाती हूँ। नेक्स्ट अगेन मैंने रीस्टॉक किया है एल्फ्स गुडनेस का रोजमेरी वाटर, इससे पहले भी मैंने इसको परचेज किया था, इसका हॉल वीडियो आपको ना शॉर्ट्स में मिल जाएगा। तो मैंने उसको ट्राई किया, उसको मैंने ख़त्म किया है, अभी मैंने फिर इसको लिया है, एंड दिस एक्चुअली वर्क्स। इस पर ना बहुत ही बढ़िया डिटेल वाला वीडियो आपको मेरे चैनल पे
जल्दी देखने को मिलेगा. इट्स एन ऑसम प्रोडक्ट गाइस, इट्स एन ऑसम प्रोडक्ट. रोजमेरी ऑयल, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, रोजमेरी वाटर बहुत अच्छे होते हैं आपके बालों के हेयर ग्रोथ के लिए. अगर गंजेपन की भी शिकायत है तो ये उसको भी दूर करते हैं, आपको ट्राई करना चाहिए. नेक्स्ट है लैक्मे 925 वाइटामिन सी ओवरनाइट स्लीपिंग मास्क. गाइस मैंने ना अभी नाइट क्रीम को स्विच कर दिया है स्लीपिंग मास्क से, तो ये ना बहुत अच्छे होते हैं. इसको मैंने रीस्टॉक किया, ये मेरी थर्ड पैकेजिंग है. ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपकी स्किन डल है, डिहाइड्रेटेड है, डैमेज है, अनइवन स्किन टोन हो गई है, आप नाइट क्रीम को छोड़कर ओवरनाइट स्लीपिंग मास्क ट्राई करो. आपकी स्किन एक दिन में आप अपनी स्किन पे फर्क देखोगे. ओवरनाइट चेंजिंग देता है ये आपकी स्किन को, ये मेरा दावा है. अगर ऐसा नहीं होगा ना आप मुझे कमेंट कर करके बताना, गालियां देना भैया आप मुझे. ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ओवरनाइट स्लीपिंग मास्क बहुत अच्छे होते हैं, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए. मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, समर फ्रेंडली है, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, हर स्किन के लिए बहुत अच्छा. ऑयली स्किन के लिए तो बहुत बेस्ट है. नेक्स्ट मैंने लिया है माई फेवरेट फेवरेट मार्स के लिप क्रेयॉन. सो एज यू कैन सी दो लिप क्रेयॉन है, और इस बारी मैंने कोई न्यूड शेड परचेज नहीं किया. मेरे पास बहुत सारे न्यूड शेड लिपस्टिक्स हैं, अब मैं न्यूड शेड परचेज नहीं करती हूँ. तो ये दो शेड हैं, नो फिल्टर एंड द अदर वन इज आई एम पावरफुल. आई एम पावरफुल मैं आपको स्वैच करके दिखाती हूँ. ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल मार्स के लिप क्रेयॉन होते हैं, बिल्कुल ट्रांसफर प्रूफ होते हैं और यू नो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं. तो इसको मैं स्वैच करके दिखाती हूँ. द कलर इज ब्यूटिफुल, लुक एट द कलर, इट्स ब्यूटिफुल गाइज, वेरी नाइस डार्क पिंक शेड. मुझे इस तरीके का एक पिंक शेड चाहिए था. नेक्स्ट इज नो फिल्टर, इट्स अ काइंड ऑफ reddish with pink undertone, red with pink undertone kind of a lipstick. It's a very beautiful color by the way, very beautiful. This will suit every skin tone people, koi sa bhi skin tone ho aapka bahut acche se jayega. Next again maine restock kiya hai Lakme ke vitamin C sheet mask. चार मैंने लिए हैं, मैं हफ्ते में एक बार शीट मास्क जरूर अप्लाई करती हूँ, तो महीने के चार हफ्ते और हफ्ते में एक बार, तो इसीलिए मैंने चार लिए हैं. और क्योंकि मैं विटामिन सी यूज़ करती हूँ तो मैंने विटामिन सी शीट मास्क ही लिए. इसका रिव्यू मैंने अभी तक के नहीं किया है, तो मिल जाएगा आपको एक दो दिन मिनिमम. नेक्स्ट मैंने लिया है द मोस्ट पॉपुलर आइस रोलर, जो कि हर यूट्यूबर यूज़ कर रहा है आइस रोलर, तो मैंने भी लिया है. काफ़ी ज़्यादा यू नो बर्फ रगड़ते रगड़ते ऐसा पानी गिर जाता था तो कपड़े भीग जाते थे, तो इसीलिए मैंने इसको लिया. एक और मैंने लिया था, वो जब मैं अपने मायके गई थी तो वहाँ छूट गया, तो अभी मेरी छोटी बहन उसको यूज़ कर रही है, तो मैंने ये नया मंगवाया. ये उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एंड मैं आपको दिखाती हूँ. इसमें बहुत सारे रैंडम कलर आते हैं, बहुत सारे कलर हैं रैंडम आपको रिसीव होगा. तो मुझे ये डार्क ग्रीन एंड पेस्टल ग्रीन कलर का रिसीव हुआ, इट्स ब्यूटिफुल. इसमें ना आपको इस तरीके के दो मिल जाते हैं, और करना क्या है, यहाँ से इसको ओपन करना है, यहाँ से पानी डालना है, इसको बंद करके फ्रिज में रख देना है, फिर ये खोलेंगे और आप आइस यूज़ करेंगे. किसी ना किसी मेरे स्किन केयर वीडियो में आप इसको ज़रूर देखोगे यूज़ करते हुए. इट्स अ नाइस प्रोडक्ट, अगर आपको मेसिनेस नहीं चाहिए तो आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए. और आइस आपके स्किन को ग्लोइंग बनाता है, स्किन को टाइटन रखता है, वाइटन रखता है, ब्राइटन रखता है, हाइपर पिगमेंटेशन को भी आइस दूर करता है. गाइज आपकी स्किन अच्छी हो जाती है. नेक्स्ट है या इट्स रोंजिले कॉस्मेटिक्स फेयरनेस कॉम्पैक. एज यू कैन सी तो दिस इज द कॉम्पैक, ये काफ़ी सस्ता कॉम्पैक है. इट्स इन द शेड 02 क्लासिक आइवरी, 349 इसका प्राइस है. ये मुझे 170 और 180 में मिल गया था, तो काफ़ी अच्छा सस्ता पड़ा मुझे. एंड ये कॉम्पैक्ट मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया, इनफैक्ट मैंने कंपनी का नाम भी मैं पहली बार ही सुन रही हूँ, मैंने कभी सुना नहीं है. पर्पल पे ही मैंने इसको देखा था. तो कुछ इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है, एज यू कैन सी पैकेजिंग इज लक्स, इट्स लग्जूरियस, बहुत ही ब्यूटीफुल पैकेजिंग है इसकी. और पीछे आपको मिरर भी मिल जाता है, ये देखो आप, पीछे आपको मिरर मिल जाता है. सो मिरर इन्होंने पीछे दिया है, इसका कोई सेंस बनता नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों दिया है इन्होंने, आई डोंट नो. सो ये कुछ यहाँ से फाइनली ये खुल गया है और ये यहाँ से खुलता है गाइस, इस तरीके से ऐसे ऐसे खुलता है. हाँ ऐसे, वेट लेट मी सी, प्रोफेशनल तरीके से ये यहाँ से ऐसे खुलता है, और ये है आपका प्रोडक्ट.
एंड यहाँ पर पीछे आपको पफ मिल जाती है, पफ की क्वालिटी बहुत गंदी है गाइज, बहुत ही गंदी है। आई मीन इस प्राइस में आपको स्विस ब्यूटी और मास के भी कॉम्पैक्ट मिलते हैं, उसमें भी पफ अच्छा मिलता है, इसकी पफ की क्वालिटी अच्छी नहीं है, पफ की क्वालिटी बहुत ही बेकार सी है। बट एनीवेज मैं कॉम्पैक्ट हमेशा ब्रश से अप्लाई करती हूँ, मैं कभी भी इससे अप्लाई नहीं करती हूँ। तो ये है इसका शेड, इसमें आपको आई गेस 4 या 5 शेड मिल जाते हैं। और ये शेड ना मैंने ऐसे ही मंगा लिया था, थोड़ा सा ये वाइटन लगेगा बट ना वाओ इट्स बटरी सॉफ्ट गाइस, बहुत ही अच्छा बटरी सॉफ्ट कॉम्पैक्ट है। तो दिस इज द शेड, एज यू कैन सी इट्स अ मैट कॉम्पैक्ट, बेसिकली इट्स अ फेयरनेस कॉम्पैक्ट। आप इसको यूज़ करोगे तो आपकी स्किन फेयर लगेगी और मैटिफाई लुक भी देता है, ऐसा ये प्रोडक्ट क्लेम करता है। हालांकि इसका रिव्यू जो मैंने रीस्टॉक किया है, मामा अर्थ का विटामिन सी बॉडी लोशन सनस्क्रीन, इट कम्स विद एसपीएफ 30। तो अगर आप घर पर हो, घर के बाहर हो, किसी मूवी थिएटर में हो या कहीं भी चले जाओ, आप सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है किसी भी सीजन में। जब मैं इसे अपनी बॉडी पे यूज़ करती हूँ, डेफिनेटली इट्स नॉट अ फेस सनस्क्रीन और ये स्किन को रेडिएंट बनाता है, प्लस एसपीएफ 30 है इसमें, तो आपकी स्किन को हार्मफुल यूवी और यूवीबी और यूवीए रेज से भी प्रोटेक्ट करता है। और इसमें विटामिन सी एंड हनी है जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखता है। तो मैंने इसको रीस्टॉक किया, ये मेरे 5th और 6th पैकेजिंग है आई गेस। नेक्स्ट इज अगेन अ रीस्टॉक प्रोडक्ट, इट्स लैक्मे 925 विटामिन सी फेस सीरम। तो यही फेस सीरम अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट, वेरी नाइस फेस सीरम, बहुत ही पतला सा सीरम है, स्किन में तुरंत ही अंदर एकदम ऐसे घुस जाता है और ज़्यादा इसको ऐसा मलना नहीं पड़ता है, टाइम की बचत हो जाती है इस तरीके के प्रोडक्ट से भी। नेक्स्ट मैंने इलाइट मेंबरशिप ली हुई थी तो मुझे मामा अर्थ की तरफ से आया है अ फ्री प्रोडक्ट, इट्स अ स्किन इल्यूमिनेट फेस सीरम विथ विटामिन सी। तो अब विटामिन सी के 2 फेस सीरम मुझे मिल गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ ना कि मैं इन दोनों का वर्सेस वीडियो कर लेती हूँ, क्या बोलते हो आप, कॉमेंट करके जरूर बताना। लैक्मे 925 विटामिन सी फेस सीरम वर्सेस मामा अर्थ विटामिन सी फेस सीरम, व्हाट से गाइस, इन दोनों का वर्सेस वीडियो हो जाएगा। तो इसको मैंने यूज़ किया हुआ है पहले भी, इसको मैंने परचेज करके यूज़ किया था और अभी ये मुझे मुफ्त आया है, तो इसका रिव्यू बहुत जल्दी आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। अच्छा प्रोडक्ट है ये भी, लाइट वेटेड है काफ़ी ज़्यादा, और कोई प्रोडक्ट का बचे नहीं है, बिल्कुल खाली हो गया ये और कुछ भी नहीं है इसमें, और क्या ही परचेज करती मैं और कितना पैसे पे आग लगा। गाइस आई होप ये वीडियो आपको मेरी बहुत अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा, मुझे इंस्टा ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और हाँ, इनमें से अगर कोई प्रोडक्ट का रिव्यू आपको जल्दी चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, अगर मैं उसको यूज़ की हुई होंगी तो मैं उसका रिव्यू कर दूंगी, अदरवाइज बाकी सारे प्रोडक्ट मुझे यूज़ करने पड़ेंगे तब मैं आपको उनका रिव्यू दे सकूंगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।